पिक्सार की मूवीज तो सबने देखी होगी। पिक्सार एक ऐसी एनिमेशन स्टूडियो है जो अपने ऑडियंस को लगभग हर मूवी में, हाँ हर मूवी में अपने से कनेक्ट करती है। और कनेक्ट क्या करती है, ऑडियंस दिल खोल के रोती है। लेकिन आखिर पिक्सार के मूवीज में ऐसा क्या होता है, आखिर ऑडियंस को इतना क्यों दिल लगा बैठती है उन कैरेक्टर से जिनसे वो बस अभी मिली है। तो आज की वीडियो में हम पिक्सार की मूवीज क्यों इतनी सैड और इमोशनल होती है इसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो भाई किसी भी मूवी का काम होता है अपने ऑडियंस को अपने मूवी के मेन कैरेक्टर से कनेक्ट करना। ऑडियंस को ऐसा फील होना चाहिए कि वो उस दुनिया में है, वो उस दुनिया का पार्ट है। जैसे फाइंडिंग नीमो का ये सीन जहां मार्लिन ने अपने परिवार को खो दिया है लेकिन एक एक आखिरी बचा हुआ है जिसे वो दिल से लगा कर कहता है, तो ये सीन मूवी के स्टार्ट में ही है। अभी तो मूवी शुरू भी नहीं हुई लेकिन फिर भी, हाँ फिर भी ऑडियंस रोती है। तो ऐसा क्यों? तो देखो, भले ही ये मूवी का स्टार्ट का सीन हो लेकिन ये मूवी जब शुरू होती है तब मार्लिन और उसकी बीवी को एक हैप्पी मैरिड कपल की तरह दिखाया जाता है। उन्होंने कैसे परेशानी झेली और वो वहाँ कैसे सेटल हुए और वो अपने आगे के सपने कैसे पूरे करेंगे, अपने बच्चों के साथ उनको कैसे पालेंगे, उनके स्कूल के बारे में बताया है। तो ये सब ऑडियंस को अपनी फैमिली की याद दिलाता है, किस तरह से पेरेंट्स अपने बच्चों की केयर करते हैं। हम इस सीन से कनेक्ट हो पाते हैं कि किस तरह से हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए सैक्रिफाइस किए हैं। लेकिन अगर नेक्स्ट पल में सब तहस नहस हो जाए तो बुरा तो लगता है। इसका एक रीज़न है कि पिक्सार की एनिमेशन जो बहुत ही क्यूट है, लार्ज वाइड सेट आइज, चबी चिक्स और डिसप्रोपोर्शनेट बॉडी, तो इसे कहते हैं बेबी शिमा। जैसे बेबीज होते हैं, पपीज होते हैं या चिकन्स होते हैं, उनकी बॉडीज हमें बहुत ही क्यूट लगती है। उनके फेस एक्सप्रेशन बहुत ही अच्छे से दिखते हैं। जैसे एंडी का टॉयज को बाय कहने वाला सीन जिसमें एंडी के फेशियल एक्सप्रेशन में उन टॉयज की क्या अहमियत है ये साफ जाहिर होता है बिना किसी डायलॉग के। लेकिन अगर सबसे मेन रीज़न है तो वो है पिक्सार की स्टोरीज जिसमें इमोशंस होता है, डेपनेस होती है। पिक्सार की मूवीज़ में फ्रेंडशिप, लोनलीनेस, फैमिली, मेमोरीज, वैल्यू ऑफ टाइम, सेइंग फाइनल गुड बाय, इन बातों को बारीकियों से दिखाया जाता है जो लगभग हर इंसान के लाइफ में होती है। इसलिए हम सब मूवीज से कनेक्ट होते हैं और दिल का दरिया बह ही जाता है। पिक्सार का बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत इमोशनल होता है जो हर मूवी में अपनी छाप छोड़ देता है। मेरा सबसे फेवरेट मूवमेंट है जब एंडी अपने टॉयज को अलविदा कहता है। मैं भी अपने पुराने क्रिकेट बैट को अभी भी देख के बहुत रोता हूँ। तो आपका सबसे फेवरेट इमोशनल मूवमेंट कौन सा है कमेंट करें। तो वीडियो देख के आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए मूवी फिर हिंदी को।